कर्मों का खेल है, लौट कर आएगा। गांव गंगापुर की गलियां सवेरे की हल्की रोशनी में जगमगाती थीं। वहां की मिट्टी की खुशबू और लोगों की हंसी ठिठोली में सजीवता थी। परंतु इस शांतिपूर्ण वातावरण में भी कुछ रहस्यमय घटनाएं गंगापुर के बाशिंदों के जीवन में उलझने भर रही थीं। राजा, जो गंगापुर का सबसे धनी व्यक्ति था, उसके विशाल हवेली के आंगन में एक पेड़ था। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते थे कि वह पेड़ साक्षात भगवान का वास था, जो गांव की रक्षा करता था। राजा की धर्मपत्नी सरिता इस पेड़ के प्रति गहरी आस्था रखती थी। वह हर दिन उसकी पूजा करती और मानती थी कि यह पेड़ उनके सुख समृद्धि का कारण है। राजा का बेटा राघव शहर में पढ़ाई करने गया हुआ था। वह गांव की पुरानी मान्यताओं पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उसे शहर की चमक धमक और वहां के जीवन में ही अधिक रुचि थी। उसकी नजर में गांव के रीति रिवाज और अंधविश्वास बेवकूफी भरे थे। एक दिन जब राघव अपनी छुट्टियों में गांव आया, तो उसने देखा कि उसके पिता बहुत परेशान हैं। राजा ने उसे बताया कि उनके व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है और घर पर भी अजीब घटनाएं हो रही हैं। सरिता के अनुसार ये सब पेड़ की पूजा में कमी के कारण हो रहा था, लेकिन राघव ने इस बात को महज एक अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। राघव की पढ़ाई खत्म होते ही उसने तय किया कि वह अब शहर में ही नौकरी करेगा और गांव लौट कर नहीं आएगा। वह शहर के जीवन में खो गया और गांव की बातें उसे याद भी नहीं आती। परंतु कुछ महीनों बाद उसे एक खबर मिली जिसने उसके दिल को झकझोर दिया। उसके पिता की हालत बहुत खराब हो गई थी। बिना एक पल गंवाए राघव गांव के लिए निकल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो देखा कि हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ है। उसकी माँ उसे देखकर रो पड़ी और बताया कि राजा अब ठीक नहीं हो पाएंगे। सरिता ने बताया कि राजा की तबीयत बिगड़ने का कारण पेड़ की पूजा में कमी और राघव का गांव छोड़कर जाना है। राघव यह सुनकर असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि इन बातों का कोई तार्किक आधार नहीं है। फिर भी पिता की बिगड़ती हालत और मां के आंसू देखकर वह चिंतित हो गया। राजा ने राघव को बुलाया और एक अंतिम बात कहने के लिए कहा, बेटा हमें हमेशा अपने कर्मों का फल मिलता है, जो हमने बोया है वही काटना पड़ता है। इस पेड़ की देखभाल और पूजा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह हमारे परिवार की रक्षा करता है। लेकिन जब से तुम गए हो, मैंने इसकी देखभाल ठीक से नहीं की। अब वक्त आ गया है कि तुम इसकी जिम्मेदारी संभालो। राघव ने अपने पिता की बातों को दिल से सुना और फैसला किया कि वह गांव में रहकर पेड़ की पूजा और देखभाल करेगा। उसने अपनी मां के साथ मिलकर पेड़ की पूजा की और कुछ ही दिनों में राजा की तबीयत में सुधार होने लगा। अब राघव ने समझ लिया था कि यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरा संबंध था, जो उनके परिवार की सुख समृद्धि और सुरक्षा का आधार था। उसने अपने पिता से माफी मांगी और तय किया कि वह अब हमेशा गांव में रहकर अपने परिवार और इस पेड़ की देखभाल करेगा। समय बीतता गया और गंगापुर फिर से खुशहाल हो गया। राघव ने अपने गांव के लोगों को यह समझाया कि पेड़ की देखभाल और पूजा केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि उनके जीवन की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। धीरे धीरे गांव में भी राघव की बातों का असर हुआ और सभी ने अपने अपने कर्मों का महत्व समझा। राघव अब गांव में रहकर अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए काम करता था। उसने अपने कर्मों के खेल को समझा और अब वह जान गया था कि सर लौट कर आएगा, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे। राघव की यह कहानी गंगापुर के लिए एक मिसाल बन गई। गांव के लोग अब अपने कर्मों के महत्व को समझने लगे थे और उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाना शुरू कर दिया। गंगापुर अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक उदाहरण बन गया, जहां लोगों ने अपने कर्मों से अपने भविष्य को सुधारने का संकल्प लिया था।